अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले चिकन टेम्पुरा। हमने इसके लिए चिकन लिया है पाव किलो बोनलेस। अभी हमने इसको इस तरह से लंबाई लंबाई में काट लिया है। तो एक टीस्पून विनीगर डालेंगे, 1 टीस्पून, और इसे मिक्स कर लेंगे। ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा नमक, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख लेंगे। यहाँ हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा डालेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक। अभी हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, काली मिर्ची कुटी हुई 1/2 चम्मच, 2 अंडे की सफेदी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। 1/2 कप ठंडा पानी डालेंगे और हिला लेंगे। इसको अच्छी तरह से हिला लें। इसका इस तरह से बैटर होना चाहिए। यहाँ हम लेंगे 1/2 कप मैदा, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें हम डालेंगे नमक 1/2 चम्मच, कुटी हुई काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच और इसे मिक्स कर लेंगे। अभी हम एक चिकन की स्लाइस लेंगे और उसको इस मैदे में कोट करेंगे अच्छी तरह से, सारे के सारे जगहों पे लगा लेंगे और इस प्लेट में रखते जाएंगे। इस तरह से सारे के सारे करते जाएंगे। अभी हमने सारे के सारे चिकन को आटा हमने यहाँ एक कढ़ाई में तेल गर्म होने रख दिया है गैस। अभी हम एक स्लाइस लेंगे चिकन का और उसको हम इसमें डिप करेंगे और अच्छी तरह से सारी जगहों पे लगा लेंगे। और इसको अभी हम डालेंगे ऑयल में डालेंगे। एक बार में जितने जाए आप उतने ही डालिए, ज़्यादा से सारे करते जाएंगे। ऑयल में डालेंगे, इसे धीमी आंच पे अच्छी तरह से पका लेंगे। इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। हमारा चिकन टेम्पुरा रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसको निकाल लेंगे गाइस एक प्लेट में। देखिए गाइस ये कितना अच्छा दिख रहा है। निकाल लेंगे एक प्लेट में। हमारा चिकन टेम्पुरा रेडी हो चुका है। देखिए ये देखने में अच्छा नहीं दिख रहा है, मगर एक